इधर आ। हे भगवान, इतना जुलम। अरे मेरी सासू डार्लिंग, अब इतना बड़ा भी क्या जुल्म हो गया जो यू अचंभा खा गई। अचंभा तो हो गई, ऐसे भूतनी बन के घूम रही हो, एक नंबर की चुड़ैल लग रही हो, समझा? अरे सासू माँ, कर दी ना पुराने ख्यालात वाली बात, आप तो अनपढ़ गवार की गवार ही रहोगी। ये आज के जमाने का लेटेस्ट और मॉडर्न फैशन है, समझे आप? क्या कहा, मॉडर्न और लेटेस्ट? लगता है रात को भूतों वाली फिल्म देख के सोई थी, इसीलिए अब चुड़ैल बन के घूम रही है। अगर किसी पड़ोस वालों के बच्चों ने देख लिया ना, तो डर के मारे जान निकल जाएगी। अरे सासू माँ, आपको क्या पता ये फैशन वैशन चीज क्या है? आपने कभी किया हो तभी तो आपको समझ आएगा ना। तेरे जैसी बहुएं नहीं होती है, सर पे चुन्नी रखती है, हाथों में चूड़ियां होती है, ऐसे नहीं मुंह उठा लिया और चल दिए कहीं भी। ओफो सासू माँ, आपको कितनी बार समझाऊं मैं कि ये आज के जमाने का लेटेस्ट फैशन है। लेटेस्ट का मतलब नया, वो चुन्नी वुन्नी सर पे रखना वो टाइम गया। और आपको पता भी है कि जींस टॉप यानी कि जो मॉडर्न ड्रेस है ना, इस पे मैंने पूरे 3500 रुपए खर्च कर रखे हैं। तो सुने, लेटरेस मॉडर्न बहू ऐसी है ना, जो विधवा होती है वो रहती है, समझी? बड़ी आई 3500 रुपए खर्च करने वाली, इससे अच्छा तो सुंदर सी साड़ी खरीदती जो अच्छी लगती। ओफो सासू माँ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? देखा है अपने आप को आईने में, कितनी बेहुदा लग रही हो। रहन दो सासू माँ, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हूँ, समझ गए ना आप? हाँ, तो अपने आप को कौन नहीं कहता मैं सुंदर हूँ, हर कोई कैटरीना कैफ बनना चाहती है। सासू माँ देखो, मेरा ना आप मूड खराब मत करो, मेरा मूड ना बहुत अच्छा है और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना शॉपिंग जा रही हूँ। ए अंग्रेज की औलाद, ज्यादा ना फैशन के चक्कर में इसी दिन बुखला जाओगी, समझी? ओहो सासू माँ, तो फिर असल बात ये है, मुझे तो अभी समझ आई, आपको वास्तव में मुझसे हो रही है जलन। कह दो ना कि जल रही हो मुझसे। जल नहीं रही, डर लग रहा है कि दिन में भूतनी कहाँ से आ गई, रात को तो चुड़ैल घूमती है, अब दिन में भी चुड़ैले घूमने लगी है। देखो सासू माँ, अपनी है ना जबान संभाल के बात करो, ठीक है ना? ये जो ड्रेस है ना, आपके बेटे ने खुद मुझे दिलवाई है। तो मेरा बेटा कौन सा अकल का भरा हुआ है, तेरी तरह उसका भी भेजा खाली हो गया है, समझी? हाँ हाँ, बस इस पूरे घर में अकलमंद तो एक आप बची है ना। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे जबान लड़ाने का, मैं तो अच्छा भला शॉपिंग पे जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, बीच रास्ते में तो आपने ही टोका ना मुझे। टोका? ऐसे कपड़े पहन के मैं नहीं जाने दूंगी, समझी? मैं तो यही कपड़े पहन के जाऊंगी, देखती हूँ कि आप क्या करोगे। जाके दिखाओ, अगर तुम्हारी टांगे ना काट दी तो। माँ जी, एक बात ना कान खोल के सुन लो, आप मेरी सास हो, ज्यादा इस घर की ना जेलर बनने की कोशिश ना करो। अरे आप भूतनी, ज्यादा ना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? चुड़ैल लग रही है एक नंबर की, जाके ना ढंग के कपड़े पहन के और फिर जाना कहीं भी। माँ जी, मैं तो इन्हीं कपड़ों में अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगी अगर इन कपड़ों में घर से बाहर गई तो, समझी? अरे वाह, मुंबई से हीरोइन आई है, मुझे लेने के लिए आई है, लगता है मुझे फिल्म में हीरो बनाएगी। मैंने सही कहा ना बुढ़िया? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आप तो फिल्मों में ट्राई करो। थैंक यू। चुप, बड़ी आई है थैंक यू वाली, इसे तो शराब पी के भूतनी भी हीरोइन लगती है।
जैसे तुम दिख रही हो ना भूतनी, अभी से तो शराब के नशे में हीरोइन ही दिखेगी। अरे माँ जी, मैंने तो बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि जब इंसान शराब के नशे में होता है ना, तब एकदम 100% सच बोलता है। बॉडीगार्ड रख लेना मेरे को, बॉडीगार्ड साथ में। खबरदार, जो एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगी। बड़ा आया बॉडीगार्ड बनने वाला। एक बात बोलूं, भाभी जी बिल्कुल हीरोइन बनेगी, हीरोइन लगती है, हीरोइन है तू बुढ़िया। तेरी माँ को बोला कर जाके बुढ़िया। अरे माँ मेरी 70 साल की है, माँ को बुढ़ी ना कहूंगा तो और क्या कहूंगा, बुढ़िया। जरूरी नहीं कि उसे बुढ़िया ही कहो, माँ नहीं कह सकता, माँ नहीं कह सकता फेवरेट, माँ नहीं कह सकता। बस सासू माँ, बहुत हो गया आपका, और मैंने भी ना बहुत सुन लिया। अब ज्यादा ना ये चबड़ चबड़ मत करो, और चुपचाप ना मुझे 10,000 रुपए निकाल के दियो। सासू माँ 10,000 रुपए दो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए, समझी? ऐसे बेहुदे कपड़े खरीदने के लिए एक पैसा नहीं दूंगी। सासू माँ चुपचाप पैसे निकालो। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि तू मेरी बेटी समान है और मैं सास नहीं माँ हूँ। अगर मेरे जगह आपकी बेटी आपसे पैसे मांगती तो आप उसे ना देती क्या? हाँ देती, अगर वो ऐसी हरकतें करती तो उसे 2-4 खींच के देती, समझी? तुम्हारा तो मैं लिहाज कर रही हूँ। रुको रुको, एक मिनट रुको, नॉन स्टॉप फिर से चालू हो। एक तो इसने खून पी लिया, तुम्हारे जैसा है बिल्कुल। देखो सासू माँ, मुझे ना इसके जैसा तो बिल्कुल मत समझना। किस एंगल से ये मेरे से मैच करता है? और चुपचाप ना पैसे निकालो। हाँ हाँ निकालो पैसे, देओ भाभी जी को पैसे, बुढ़िया। ये ले।